सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट 4, दैट इज सस्पेंशन सिस्टम। सो वी विल कवर द ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, देन वी विल डिस्कस अबाउट सस्पेंशन स्प्रिंग, फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन सिस्टम, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम एंड शॉक एब्जॉर्बर्स। So this will be the content for next two or three lectures on your suspension system. Okay. So first of all, we should know what is suspension system. Naam sun rakha aap sabne, suspension system, right? So suspension system kya hota hai? First we will try to understand it. Suspension system is the term given to the system of spring, shock absorber and linkages to connect a vehicle to its wheel. Okay. तो जो आपके पास व्हील होता है, आप देख रहे हैं अपने ये राइट साइड में आपको एक इमेज दिख रही है, इसमें आपको राइट साइड में एक व्हील दिख रहा है। तो व्हील को क्या होता है, डायरेक्टली आप क्या करते हैं, जो शाफ्ट होती है उस शाफ्ट से आप डायरेक्टली बॉडी को कनेक्ट नहीं करते हैं। तो जो भी चेसिस फ्रेम होता है, वो चेसिस फ्रेम क्या होता है अपना, वो पूरा का पूरा सस्पेंशन सिस्टम के थ्रू होता हुआ एक्सल के ऊपर में जाता है और एक्सल से होता हुआ हमारा व्हील कनेक्टेड होता है और फिर हमारे टायर लगे होते हैं जो रोड के ऊपर में टच होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बीच के अंदर में एक मैकेनिज्म लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन सिस्टम। और इसका पर्पस क्या है वो हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज बेसिकली कुशन पैसेंजर्स, प्रोटेक्ट्स द लगेज और एनी कार्गो एंड आल्सो इट्स फ्रॉम डैमेज और वियर। तो इसका बेसिक पर्पस क्या है सस्पेंशन सिस्टम का, कि जो भी अंदर पैसेंजर बैठे हैं तो उनको किसी भी तरीके के शॉक से बचाना, किसी भी तरह की वाइब्रेशन से बचाना। तो जब आप देखते हैं गाड़ी रोड पे चलती है तो रोड प्लेन नहीं होती है, हम कितनी भी कोशिश करें रोड फ्लैट नहीं बन सकती है, ठीक है, उसमें कुछ न कुछ बम्प्स या अप एंड डाउन रहते हैं। तो वो जो अप एंड डाउन होते हैं या बम्प्स होते हैं वो क्या होते हैं, टायर पर हमेशा ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका टायर ऊपर नीचे होने की कोशिश करता है। यदि ये रिजिड होता, पूरा सिस्टम रिजिड होता, तो क्या होता वो जितने भी नीचे से आपके पास बम्प्स आ रहे हैं वो पूरे अंदर ऑक्यूपेंट्स तक ट्रांसफर होते हैं। सिर्फ पैसेंजर तक ही नहीं, हम बात करें आपका लगेज जो भी अंदर सामान है उसको भी बचाने का काम कौन कर रहा है, सस्पेंशन सिस्टम। और उसके अलावा भी यदि आपके पास में कोई मान लीजिए लगेज नहीं है, कोई मटेरियल है, आप कुछ चीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बड़ा आपके पास में कमर्शियल व्हीकल है और आप सामान उसमें ले जाते हैं, गुड्स ले जाते हैं, तो उनको भी बचाना क्या होता है, इस सस्पेंशन सिस्टम का काम होता है, ठीक है। और ये किससे बचाता है, उस उन सामानों को हर तरीके से आपके डैमेज से बचाता है प्लस वियरिंग से बचाता है। वियरिंग कैसे हो गई, कि जो भी पार्ट्स हैं उनमें जितने ज्यादा से ज्यादा यदि शॉक्स लगेंगे तो वियर एंड टियर ज्यादा होगा, नट बोल्ट से लेकर के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी मेटिंग पार्ट्स हैं, तो वो सारे के सारे में वियर टियर ज्यादा होगा यदि सारे शॉक्स वहां तक जाएंगे। तो जितने शॉक्स हम मिनिमाइज कर सकते हैं उनको हम सस्पेंशन सिस्टम से मिनिमाइज कर। सो द सर विलियम बुश इज द फादर ऑफ सस्पेंशन सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। सो इनके नाम जाता है सर विलियम बुश, ठीक है। तो अभी हम आने वाले स्लाइड्स में काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि सस्पेंशन सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं। तो जैसा कि आप सबसे नीचे लेफ्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम नजर आ रहा है, अभी हम इन सबको अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंडिपेंडेंट टाइप में क्या हो गया, कि लेफ्ट वाला जो सस्पेंशन है उसका राइट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि लेफ्ट वाला जो व्हील है वो इंडिपेंडेंट है राइट से, यानी कि ये जो आगे आप देख रहे हैं कोई भी डेड एक्सल नहीं है, कोई लाइव एक्सल नहीं है, इंडिपेंडेंट आपके पास में क्या है, दोनों व्हील्स माउंटेड हैं। तो दोनों इंडिपेंडेंट होने से क्या होता है कि कोई भी यदि शॉक आता है तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर व्हील को हिट करता है, बाकी की जो ज्योमेट्री होती है वो इफेक्ट नहीं होती, यानी कि पीछे के दो और आगे का जो एक व्हील है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ उसी इफेक्ट उसी व्हील पे इफेक्ट आता है जो कि किसी बम्प या पिट पे से गुजर रहा है। तो यहाँ पर आप देख करके समझ सकते हैं दिस इज इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। और यहाँ पर आपने कॉयल स्प्रिंग लगा रखी है, ये कॉयल स्प्रिंग लग रही है जो कि प्रेस हो जाती है जैसे कोई बम्प आता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपने डबल विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम यूज किया हुआ है, यहाँ पर कॉयल स्प्रिंग बीच में लगी है और दो तरीके से इनको क्या किया है, अप एंड डाउन से सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। तो लीफ स्प्रिंग है ये बेसिकली, हमने पहले भी पढ़ा था टॉर्क ट्यूब कन्वर्टर के अंदर में। तो लीफ स्प्रिंग क्या करती है, आपका जब भी शॉक आता है तो ये फैल जाती है, और ये क्या होती है, फैलती है और इसकी हाइट कम हो जाती है, तो हाइट कम होने से लेंथ बढ़ जाती है। और लेंथ को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं राइट में एक शैकल एंड लगाया हुआ है। तो ये शैकल एंड क्या होता है, आगे की तरफ खिसक जाता है जिससे कि हमारी लेंथ जो लंबी हुई है उसको जगह मिल जाती है, और जैसे ही हमारा जो शॉक है वो दूर जाता है, यानी कि कोई मान लीजिए नीचे पत्थर आया था, तो जैसे ही दूर जाता है तो ये वापस से नीचे चली जाती है और
टायर वापस से जमीन को टच कर लेते हैं। इसी का जो एनिमेशन है ये हम ऊपर देख पा रहे हैं कि ये क्या है आपके पास में लीफ स्प्रिंग दिखाई हुई है, तो ये लीफ स्प्रिंग आपकी लगी हुई है, आगे आपको शेकल एंड दिखाया हुआ है इस केस के अंदर। तो दिस इज हाउ योर सस्पेंशन सिस्टम वर्क। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस लिए हम सस्पेंशन सिस्टम को यूज करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट सपोर्ट्स द वेट ऑफ व्हीकल। तो जो भी वेट है, वेट का मतलब इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर और गुड्स, यदि कोई अंदर बैठा हुआ है उनका वजन प्लस यदि कोई सामान है खुद का वेट है, ये सबको कौन सपोर्ट करता है, सस्पेंशन सिस्टम। तो सस्पेंशन सिस्टम क्या होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। प्रोवाइड स्मूथर राइड फॉर द ड्राइवर एंड पैसेंजर सच दैट एक्ट एज ए कुशन। तो जो भी अंदर बैठे हैं ड्राइवर हो या पैसेंजर हो, उनको क्या होना चाहिए, स्मूथ राइड देना चाहिए, उनको ज़्यादा झटके नहीं लगे। हम जानते हैं हम कभी टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाते हैं और कई बार हमें बहुत तेज झटके लग रहे होते हैं, तो हमें ये कहना पड़ता है या हमें लगता है कि हमारा जो शॉकर है वो क्या कर रहा है, इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा, तो हमें शॉकर या तो चेंज कराने पड़ते हैं या उनको वापस से रिपेयर कराना पड़ता है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। तो यदि अच्छा सस्पेंशन सिस्टम होगा तो आपकी जो राइड होगी वो काफ़ी स्मूथ होगी, ठीक है, तो वो एज ए कुशन काम करेगा वहाँ पर, यानी कि वो जो भी डैम्पिंग लग रही है, जो भी आगे से अप एंड डाउन्स मिल रहे हैं, वो सारे कौन एब्जॉर्व कर लेगा, आपका सस्पेंशन सिस्टम। देन प्रोटेक्ट्स योर व्हीकल फ्रॉम डैमेज एंड वियर। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी तरीके का डैमेज कैसे हो सकता है, मान लीजिए आप गाड़ी तेज चला रहे हैं और सामने से कोई पत्थर आ जाता है और आपकी गाड़ी बिल्कुल उछल करके जब गाड़ी बिना सस्पेंशन के यदि रोड पर टकराएगी तो बहुत सारे अंदर पार्ट्स हो सकते हैं जो कि क्या होंगे, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पर बहुत तेजी से आपके पास क्या होगा, शॉक प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से कोई भी पार्ट टूट सकता है। आप जानते हैं कि हम जो गाड़ियाँ ऑफ रोड चलती हैं, कच्चों में चलती है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है उनके पार्ट्स को, इसी तरह से उनमें वियर एंड टीयर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। देन इट ऑल्सो प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग सेल्फ ड्राइविंग कंडीशंस, ठीक है। तो यदि आपका सस्पेंशन सही है तो आप देखेंगे कि गाड़ी का जो सेल्फ ड्राइविंग कंडीशन है वो बहुत अच्छा होगा, यानी कि आपकी जो हमने डायरेक्शनल स्टेबिलिटी पढ़ी थी, एंगल्स के बारे में हमने जब बात की थी तब हमने देखा था कि जो ड्राइविंग की स्टेबिलिटी है वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि प्रॉपर सस्पेंशन सिस्टम है तो भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट आउटपुट ये रहेगा कि आपकी ड्राइविंग जो होगी वो काफ़ी स्मूथ होगी और स्टेबिलिटी के साथ होगी। देन इट ऑल्सो कीप्स द व्हील प्रेस्ड फर्मली टू द ग्राउंड ऑफ ट्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे व्हील्स हैं वो हम चाहते हैं कि हमेशा ग्राउंड पे टच रहें, सो दैट जो ट्रैक्शन है, जो हमारी गाड़ी बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट कर रही है या ब्रेक कर रही है, वो तभी पॉसिबल है जब हमारे जो पहिए हैं वो हमेशा ग्राउंड के अच्छे से ग्रिप बना के चले, उनके साथ टच रहें। लेकिन होता क्या है कि कभी यदि कोई बम्प आया, कोई पिट आया, तो हमारे जो पहिए होते हैं वो ऊपर नीचे उछल जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो जितना जल्दी से जल्दी वापस से कॉन्टैक्ट कर ले ग्राउंड से, उतना हमारे लिए ज़्यादा ईजी है। और वरना क्या होगा, जहाँ पर बहुत सारे गड्ढे आपने देखा होगा, गाड़ी क्या होती है लगातार लगभग बम्पल करती उछलती हुई चलती है, और वहाँ पर आप ब्रेक लगाएंगे या फिर एकदम से आप रेस लगाएंगे तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि आपकी गाड़ी का ट्रैक्शन बहुत कम हो चुका है सरफेस से। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो गाड़ी का ट्रैक्शन है वो प्रॉपर रहे, ग्राउंड के हमेशा टच में रहे आपके व्हील्स। तो ये कौन करेगा, ये भी आपका सस्पेंशन सिस्टम करेगा। इट प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल इन पिचिंग एंड रोलिंग, ठीक है। तो जो पिचिंग होती है और जो रोलिंग होती है, पिचिंग किसको बोलते हैं, जैसे आपने पिच तो जानते हैं आप लोग, सपोज आपके पास में कोई थ्रेड है तो थ्रेड की पिच इस तरीके से होती है, अप एंड डाउन होती है, तो जो अप एंड डाउन होती है इसी तरह से जब रोड टूटी हुई मिलती है तो आपकी गाड़ी क्या होती है, उसके पहिए पिचिंग करते हैं, यानी ऊपर नीचे जैसे आपकी हर्ट रेट होती है उस तरह से पिच करती है, ठीक है। तो हम चाहते हैं उसमें स्टेबिलिटी रहे, गाड़ी क्या करे स्टेबल रहे, ऐसा नहीं हो कि ऊपर नीचे होने की वजह से आपकी पूरी गाड़ी ही ऊपर नीचे हो रही है। यदि सस्पेंशन सिस्टम अच्छा है तो जो ये भी अप एंड डाउन है ये पिचिंग में, ये कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, सारे सस्पेंशन सिस्टम कर लेगा, और ये गाड़ी में ट्रांसफर होने से कम कर देगा। हम ये नहीं कह सकते 100% अवॉइड कर देगा, लेकिन काफ़ी हद तक कम कर देगा। और इसी तरह से रोलिंग, जो रोल होता है व्हील, उसको प्रॉपर करने के लिए हमारे को सस्पेंशन सिस्टम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली इट आइसोलेट्स द बॉडी फ्रॉम रॉड शॉक्स एंड वाइब्रेशंस व्हिच वुड अदरवाइज बी ट्रांसफर्ड टू द पैसेंजर और लोड, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो कि रोड पे शॉक्स लग रहे हैं उसको आइसोलेट करता है, इसको बचाता है, कहाँ पर ट्रांसफर होने से, जो भी पैसेंजर है या गुड्स आपका गाड़ी में है उन तक पहुँचने से इसको बचाता है। वरना मान लीजिए आप बहुत तेज झटके लग रहे हैं तो कई बार क्या होगा, कोई डेलिकेट सामान होते हैं, कई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि टूट सकती हैं, तो ये सारी चीज़ों को बचाने के लिए लोगों को शॉकर्स बहुत अच्छे चाहिए। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम।
Now let's try to understand what are the major considerations, या कह लीजिए basic considerations of your suspension system. तो कुछ हम terminology पढ़ने वाले हैं, बहुत important हैं, not only because of this topic, ये हमारे और भी कई जगह पर काम आते हैं. So let's try to understand them one by one. First one is vertical load. तो वर्टिकल लोड आप सब जानते हैं, जो ऊपर से लोड लग रहा है, यानी कि जिसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो वर्टिकल होना चाहिए. व्हेन द रोड व्हील्स कम्स अक्रॉस अ बम्प और पिट ऑन द रोड, इट इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल फोर्सेस, टेंसाइल और कंप्रेसिव, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रोड इरेगुलरिटीज. दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय इलास्टिक कंप्रेशन, शेयर बेंडिंग और ट्विस्ट ऑफ द स्प्रिंग. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली जो भी वर्टिकल लोड्स हैं, वर्टिकल लोड्स क्या होंगे, जब भी आपका गाड़ी क्या हो रही है, किसी पिट में जा रही है या किसी बम्प पर आ रही है, तो वो वर्टिकल लोड ट्रांसमिट करेगा. और वो किस किस नेचर के हो सकते हैं, वो टेंसाइल भी हो सकते हैं, वो कंप्रेसिव भी हो सकते हैं. मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास खींचने की कोशिश कर रही है, दूर जाने की कोशिश कर रही है, मान लीजिए गड्ढा आया तो आपका पहिया और नीचे जाने की कोशिश करेगा और गाड़ी आपके ऊपर रहने की कोशिश करेगी, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलेंगे टेंसाइल, क्योंकि वो खींच रही है. इसी तरीके से मान लीजिए कोई नीचे पत्थर आ गया, कोई बम्प आ गया, तो आपका जो पहिया है वो क्या करेगा, ऊपर आने की कोशिश करेगी, लेकिन गाड़ी वहीं स्टेबल रहने की कोशिश करेगी. तो क्या होगा, ये जो एक्शन होगा जो आपका नीचे से ऊपर की तरफ उठने का होगा, तो उस टाइम में क्या होगा, बीच में जो भी मेंबर हैं वो टेंसाइल नहीं, कंप्रेसिव फोर्स बियर करेंगे. तो जब भी बम्प आता है तो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, और जब भी पिट आती है तो टेंसाइल फोर्स लग रहा है. तो डिपेंड करता है कि किस तरह की रोड की इरेगुलरिटी है. ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. और दीज आर एब्जॉर्ब बाय द इलास्टिक कंप्रेशन, शेयर बेंडिंग, ट्विस्ट ऑफ द स्प्रिंग. तो जो हमने स्प्रिंग लगाई है, स्प्रिंग से सिर्फ स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग मत समझिएगा, यहाँ पर स्प्रिंग कई तरीके की हो सकती है, लीफ स्प्रिंग को भी हम स्प्रिंग ही बोलते हैं. तो जो भी हम लोगों ने सस्पेंशन सिस्टम यूज किया है, उसमें क्या हो रहा है, जो भी शॉक्स हैं वो किसकी वजह से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इलास्टिसिटी की वजह से, कंप्रेसिबिलिटी की वजह से, शेयर फोर्स की वजह से, बेंडिंग की वजह से, या ट्विस्ट हो जाती है स्प्रिंग. हम आगे पढ़ेंगे टोर्जन बार के बारे में भी, तो ट्विस्टिंग की वजह से भी वो क्या करता है, वर्टिकल लोड्स को ले लेता है. राइट, नेक्स्ट इज रोलिंग. तो रोलिंग क्या होता है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ व्हीकल इज कंसिडरेबली अबव द ग्राउंड. ड्यू टू दिस रीजन while taking the turns, centrifugal force act outwards on the COG, center of gravity of vehicle, while the road resistance act inward at the wheels. This gives rise to a couple turning. This is called rolling. तो जब भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम कॉर्नरिंग करते हैं, कभी भी हम गाड़ी को टर्न करते हैं किसी भी एक साइड में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है, आपकी यदि गाड़ी की जितना नीचे होगी उतना हमारे लिए अच्छा है, उतनी गाड़ी कम पलटेगी. लेकिन यदि वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर है, और जब आप टर्न ले रहे हैं तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपकी गाड़ी को बाहर की तरफ में धक्का लगाने की कोशिश करेगा. उस वजह से क्या होगा, आपका जो व्हील है उसके अंदर में क्या होगा, एक उसको काउंटर करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगेगा, दैट इज रोड रेजिस्टेंस, और उसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा. उसकी वजह से आपका जो वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बैलेंस हो पाएगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, एक फोर्स आपका अंदर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स आपका बाहर की तरफ लग रहा है, तो एक कपल फोर्स बन जाता है. जरूरी नहीं है, क्योंकि सीजी बिल्कुल उसी पॉइंट से यदि दोनों फोर्स पास होते हैं, आप ध्यान से समझिएगा कि यदि इनवर्ड फोर्स और आउटवर्ड फोर्स सीजी से ही पास होते हैं तब तो वो जीरो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन यदि मान लीजिए सीजी से डिफर कर रहे हैं, यानी एक पॉइंट पर दोनों फोर्स नहीं लग रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग डायरेक्शन में निकल रहा है और आपका जो रोड रेजिस्टेंस है वो अलग डायरेक्शन में लग रही है, तो यदि दोनों का फोर्स ऑफ एक्शन अलग है तो क्या करेगा वो, इट विल लीड टू ए कपल फोर्स, और कपल फोर्स करने की वजह से क्या होगा, इट विल लीड टू योर रोलिंग कंडीशन. तो वहां पर रोलिंग होने के चांस रहेंगे. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ योर सस्पेंशन सिस्टम. थर्ड वन इज ब्रेक डिप एंड स्क्वाट. तो ये ब्रेक डिप और स्क्वाट क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हैं और एकदम से आप ब्रेक मारते हैं, मान लीजिए आप फोर व्हीलर चला रहे हैं और आप एकदम से तेज ब्रेक मारते हैं, तो आपकी गाड़ी आगे से झुक जाती है, डिप करती है आगे से, ठीक है, नीचे झुकने की कोशिश करती है, और यही कारण होता है, दिस इज कॉल्ड डिपिंग. ठीक है, और इसी तरह से स्क्वाट हम बोलते हैं किसको, कि मान लीजिए आपकी गाड़ी जा रही है और आपने एकदम से रेस दी है. कई बार आपने देखा है कि रेस देते हैं हम लोग या फिर एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो आपकी गाड़ी पीछे से ऊपर उठ जाती है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड स्क्वाट. तो जो आपके पास में ये फिनोमिना है, ये दोनों भी हम लोग यहाँ देखते हैं. सो हियर इट इज, ऑन ब्रेकिंग द नोज ऑफ द व्हील हैज अ टेंडेंसी टू बी लोवर्ड और टू डिप. ठीक है, तो आगे से जो नोज होती है गाड़ी की वो नीचे जाने की कोशिश करती है. इट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ सी जी रिलेटिव टू द ग्राउंड. अगेन हम वही बात करें कि यदि आपका जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है तो आपकी गाड़ी स्टेबल है, जितना सी जी ऊपर है उतनी ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करेगी.
यदि मान लीजिए बड़े ट्रक की बात कर रहे हैं तो वो ट्रक में जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत आगे झुक जाता है। यदि यही हम रॉयल रॉयस की बात करें बहुत तेज में भी यदि वो ब्रेक लगाती है तो आगे नहीं झुकेगी क्योंकि सीजी बहुत डाउन है। ओके, दूसरा इसके लिए जरूरी है व्हील बेस। ठीक है, व्हील बेस हम लोगों ने पढ़ा है आगे से पीछे की जो एक्सेल है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को व्हील बेस बोलते हैं, वो कितना है इस पर भी डिपेंड करता है। एंड अदर सस्पेंशन कैरेक्टरिस्टिक और भी कई सारी चीजें इन पे ये ब्रेक डिप और स्क्वाट डिपेंड करता है, दिस इज कॉल्ड डिप। सिमिलरली टॉर्क लोड्स ड्यूरिंग एक्सेलरेशन टेंड्स द फ्रंट ऑफ द व्हील टू बी लिफ्टेड, दिस इज कॉल्ड स्क्वाट। तो हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, आपने बाइक्स देखी होगी, आपने एकदम से एक्सेलरेट किया, गाड़ी खड़ी और आपने एक्सेलरेट करके एकदम से छोड़ा तो गाड़ी ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है फ्रंट से। सो यदि हम उस पर्टिकुलर पोजीशन की बात करें, सिमिलरली यदि आप कार में भी बात करें तो क्या होगा, आप यदि एकदम से एक्सेलरेट करके गाड़ी को छोड़ते हैं तो क्या होता है, गाड़ी आगे से उठने की कोशिश करती है, दैट इज योर स्क्वाट कंडीशन। तो ये दोनों ही कंडीशन हम लोगों के सस्पेंशन सिस्टम को इफेक्ट करती है। ओके, देन वी हैव साइड थ्रस्ट। तो साइड थ्रस्ट क्या होती है, हमने पहले भी पढ़ा है कॉर्नरिंग की वजह से जब गाड़ी घूमती है उसकी वजह से, हवा की वजह से, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है, दैट इज साइड थ्रस्ट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यूरिंग कॉर्नरिंग, क्रॉस विंड, कैम्बरिंग ऑफ द रोड, इन सब की वजह से क्या होता है, कैम्बरिंग जानते हैं आप लोग कि रोड को साइड से उठाना, जिस तरफ भी आपका टर्न ले रहे हैं तो हम बाहर की साइड की जो रोड होती है उसको थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठा देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैम्बरिंग ऑफ रोड। तो कैम्बरिंग कारण हो सकता है, क्रॉस विंड कारण हो सकता है, या कॉर्नरिंग कारण हो सकता है। एंड इट कॉजेज ए साइड थ्रस्ट टू बी अप्लाइड ऑन द व्हीकल, तो इसकी वजह से क्या होता है, व्हील पे साइड थ्रस्ट आपको मिलेंगे। सच फोर्सेज आर यूजुअली एब्जॉर्ब बाय द रिजिडिटी ऑफ लीफ स्प्रिंग और बाय फिटिंग पेनहार्ड रॉड्स। तो आपने देखा कि जो भी साइड थ्रस्ट लगते हैं उसको कौन बियर करता है, जो भी लीफ स्प्रिंग लग रही है यदि आपकी कमर्शियल व्हीकल है तो, और उसकी वजह से क्या होता है, वो साइड थ्रस्ट को बियर करता है, यानी वो पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि जो आपके पास में एक्सेल है वो लेफ्ट राइट चली जाएगी क्योंकि लेफ्ट साइड से बहुत दम लग रहा है, राइट से बहुत दम लग रहा है, तो वो मिसमैच हो सकती है, लेफ्ट राइट खिसक सकती है। तो वो सारे जो जो फोर्सेज है उनको एब्जॉर्ब करने का काम लीफ स्प्रिंग का है। या फिर हम क्या करते हैं, हमने पहले पढ़ा था पेनहार्ड रॉड। तो पेनहार्ड रॉड क्या होती है, एक क्रॉस रॉड होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल के साथ में लगा करके और ऊपर फ्रेम के साथ में उसको ज्वाइन कर देते हैं, तो वो उसके लेफ्ट राइट मूवमेंट को रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज रोड होल्डिंग। तो रोड होल्डिंग का क्या मतलब है, द डिग्री टू विच अ व्हीकल मेंटेन्स कॉन्टेक्ट विद द रोड सर्फेस इन वेरियस टाइप ऑफ डायरेक्शनल चेंजेस सच दैट डिप, स्क्वाट, कॉर्नरिंग एटसेट्रा एंड इन स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड रोड होल्डिंग। तो रोड को कितने टाइम वो होल्ड करके रखते हैं, तो यदि रोड होल्डिंग बहुत अच्छी है इसका मतलब आपका सस्पेंशन सिस्टम बहुत अच्छा है। ठीक है, यदि रोड होल्डिंग अच्छी नहीं है, रोड को वो अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रही है, किस किस कंडीशन में, लाइक डिप में, स्क्वाट में, कॉर्नरिंग में, यदि वो प्रॉपर नहीं कर पा रही है तो हम कह सकते हैं वी हैव पुअर रोड होल्डिंग। तो रोड होल्डिंग बेसिकली इस चीज को बोलते हैं। देन राइड एंड हैंडलिंग। राइड इज द क्वालिटेटिव एबिलिटी ऑफ अ व्हील टू प्रोवाइड अ स्मूथ कंफर्टेबल ड्राइव ऑन अ बम्पी रोड। हैंडलिंग इज द एबिलिटी ऑफ अ व्हीकल टू सेफ्टी एक्सेलरेट्स ब्रेक एंड कॉर्नरिंग। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यदि हम राइड की बात करें तो ये क्या है, एक व्हीकल की एबिलिटी है किसके लिए, कि हमें स्मूथ राइड मिल रही है नहीं मिल रही है, हमें कंफर्टेबल राइड मिल रही है नहीं मिल रही है, यानी अंदर के ऑक्यूपेंट को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इस तरह की राइड्स को हम बोल रहे हैं प्रॉपर राइड। और हैंडलिंग हम किसको बोलते हैं, ये रिलायबिलिटी से रिलेटेड है, कि किस तरह की रिलायबिलिटी, कि हम कितने सेफ हैं, हम एक्सेलरेट करते वक्त कितने सेफ हैं, हम ब्रेक लगाते वक्त कितने सेफ हैं, हम कॉर्नरिंग के टाइम में कितने सेफ हैं। ठीक है, तो ये उसकी एबिलिटी को शो करता है, दैट इज कॉल्ड हैंडलिंग। तो राइड अलग चीज है, हैंडलिंग अलग चीज है। ओके, देन वी हैव अनस्प्रंग वेट। इस बारे में हमने पहले भी बात किया था, अनस्प्रंग वेट क्या होता है, अनसपोर्टेड वेट होता है जिसको हम लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड अनस्प्रंग वेट। अनस्प्रंग वेट इज द वेट ऑफ व्हीकल कंपोनेंट्स बिटवीन द सस्पेंशन एंड द रोड सर्फेस। तो देखिए जो सस्पेंशन सिस्टम है, यदि हम इस डायग्राम की वापस से बात करें, तो ये जो आपको स्प्रिंग दिख रही है इसके ऊपर का जो पोर्शन है ये तो सपोर्टेड है इस स्प्रिंग से, लेकिन इसके अलावा जो भी पोर्शन है, मान लीजिए ये व्हील और टायर हैं, ये एक्सेल है, या फिर हम ब्रेक ड्रम ब्रेक में जो लग रहे हैं वो हैं, तो ये सारे वजन को कौन स्प्रिंग सपोर्ट नहीं कर रही है, ये अनस्प्रंग वेट है। ठीक है, तो इस तरह सभी तरीके के वेट को हम अनस्प्रंग वेट में कहलाते हैं। और अनस्प्रंग वेट क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा गाड़ी बाउंस करेगी क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें अनसपोर्टेड हैं। तो जितना ज़्यादा ये वेट होगा उतना ज़्यादा ये बाउंस करेगी, और ये जितना कम होगा तो हमारा अनस्प्रंग वेट जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए राइड ईजी होगी, स्मूथ होगी। ठीक है, तो दिस इज वॉट शोन ओवर हेयर। अनस्प्रंग वेट इज द वेट ऑफ द व्हील व्हीकल कंपोनेंट बिटवीन द सस्पेंशन एंड द रोड सर्फेस। ठीक है,
ठीक है, तो रोड सरफेस और सस्पेंशन के बीच में जितने भी पार्ट्स हैं जो अनसपोर्टेड हैं उन सबको हम अनस्प्रंग वेट में गिनते हैं। दिस इंक्लूड्स रेयर एक्सेल असेंबली, स्टीयरिंग नकल, फ्रंट एक्सेल इन केस ऑफ रेयर एक्सेल सस्पेंशन, व्हील, टायर, ब्रेक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अनस्प्रंग होती हैं या अनसपोर्टेड होती हैं। दस इट इज सीन दैट ग्रेटर द वेट ऑफ द अनस्प्रंग पार्ट, ग्रेटर विल बी द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू वाइब्रेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली ग्रेटर शॉक्स। तो यदि मान लीजिए ज़्यादा अनस्प्रंग वेट है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगा, और ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगा तो आपका ज़्यादा शॉक्स लगेंगे आपको। यदि हल्का होगा तो कम एनर्जी एब्जॉर्व करेगा और कम ही एनर्जी डिसिपेट करेगा तो आपके शॉक्स कम हो जाएंगे। इसीलिए हम इन चीज़ों को हल्का बनाने की कोशिश करते हैं, वी प्रीफर अलॉय व्हील्स ओवर स्टील व्हील्स। तो ये सब कारण है, सो दैट वी रिड्यूस द अनस्प्रंग वेट। ओके, देन वी हैव सस्पेंशन स्प्रिंग। तो जो दूसरा टाइप का हम लोग जो बात करें दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन स्प्रिंग। तो यहाँ से हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन है ब्रॉडली कि हम किस किस तरह के सस्पेंशन सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो सबसे जो मेजर यूज होता है दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग टाइप, ये स्टील स्प्रिंग कह सकते हैं हम इसको, स्टील स्प्रिंग। आगे हम पढ़ेंगे रबर की भी स्प्रिंग होती है, एयर और हाइड्रोलिक स्प्रिंग्स भी हम यूज करते हैं, बट फॉर नाउ वी आर यूजिंग स्टील स्प्रिंग। सो सस्पेंशन स्प्रिंग आर द लिंक्स बिटवीन व्हील एंड कार बॉडी। तो ये जो सस्पेंशन स्प्रिंग है ये किसके बीच में काम करते हैं, आपके जो व्हील है और जो कार की बॉडी है इसके बीच में ये फिट किए जाते हैं। सस्पेंशन स्प्रिंग देयर प्राइमरी टास्क इज टू कंपनसेट अनइवन रोड सर्फेसेस एंड दस प्रोवाइड एन एश्योरेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ राइड कम्फर्ट। तो इनका मेन पर्पज क्या है कि आपकी राइड जो हो कम्फर्टेबल हो, और जो भी अनइवन सर्फेसेज आ रहे हैं नीचे रोड जो उबड़ खाबड़ आ रही है उसको क्या करें, उसके शॉक्स को ये स्प्रिंग खुद बियर कर सके। सेकेंडली दे must ensure that the wheel always have safe contact with the road regardless of its condition. तो हम ये चाहते हैं कि आपका जो व्हील है वो क्या करें, हमेशा रोड की कॉन्टैक्ट में आके चले। तो टायर हमेशा आपके टच में रहेंगे तो आपकी ट्रैक्शन अच्छी होगी और ब्रेकिंग भी अच्छी होगी, चलेगी भी अच्छी और रुकेगी भी अच्छे से। तो हमारा ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पज है कि आपका यदि बम्प आए या पिट आए उसको ध्यान में रखते हुए भी आपका जो व्हील है वो हमेशा आपका रोड की सरफेस पे ट्रैक्शन बना के रखे, कॉन्टैक्ट सरफेस अच्छा बना के रखे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट योर स्प्रिंग सस्पेंशन। तो यदि हम ब्रॉडली बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम की, तो वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ सस्पेंशन सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो यदि हम ब्रॉडली हम जो बात करने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली, तो हम बात करेंगे स्प्रिंग सस्पेंशन की। तो स्प्रिंग सस्पेंशन में हमारे पास दो टाइप के हो गए, और इसमें भी हमारे पास जो स्टील स्प्रिंग है इसमें हम चार टाइप पढ़ेंगे, दैट इज लीफ स्प्रिंग, टेपर्ड लीफ स्प्रिंग, कॉयल स्प्रिंग एंड टॉर्जन बार। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम इनको बहुत वाइडली यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो दूसरा टाइप आता है दैट इज कॉल्ड रबर स्प्रिंग्स, ठीक है। इसमें कौन कौन सी स्प्रिंग्स आती हैं, इसमें कंप्रेशन स्प्रिंग आती है, कंप्रेशन शेयर स्प्रिंग आती है, स्टील रेनफोर्समेंट स्प्रिंग आती है, प्रोग्रेसिव स्प्रिंग आती है, फेस शेयर स्प्रिंग आती है, टॉर्जन स्प्रिंग शेयर स्प्रिंग आती है। देन इसके अलावा हम लोग प्लास्टिक स्प्रिंग भी पढ़ेंगे, एयर स्प्रिंग भी पढ़ेंगे और हाइड्रोलिक स्प्रिंग भी पढ़ेंगे। तो ये टोटल पाँच तरह की स्प्रिंग हमारे पास हैं। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट दैट विल बी अवर शॉक एब्जॉर्बर्स। तो शॉक एब्जॉर्बर जो आप लोग बाइक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रेसिंग कार्स में यूज होते हैं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर दो टाइप के, टेलीस्कोपिक एंड लीवर आर्म टाइप। देन यदि हम बड़े वे में बात करें तो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, दैट इज इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम एंड नॉन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। यानी कि अभी हमने बात करी थी कि जो हमारे अलग अलग व्हील्स पे अलग अलग सस्पेंशन है वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन, और यदि हमने लाइव एक्सेल या रिजिड एक्सेल काम में ले ली तो हमारे जो दोनों सस्पेंशन सिस्टम है वो क्या कहलाएंगे, नॉन इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट में क्या कहलाएंगे हम लोग देखेंगे, विशबोन टाइप है हमारे पास, मैक पियर्सन है, वर्टिकल गाइड है, ट्रेलिंग लिंक है और स्विंगिंग हाफ एक्सेल है। तो ये सारे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है। ओके, इसी तरह से हम आगे देखेंगे एयर और न्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम, ऑल्दो इट इज नॉट इन अवर सिलेबस। देन वी हैव स्टेबलाइजर्स और एंटी रोल बार्स एंड हाइड्रोस्टेटिक सस्पेंशन। तो ये हमारे पास टोटल डिफरेंट टाइप्स के सस्पेंशन सिस्टम्स अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद लीफ स्प्रिंग। तो लीफ स्प्रिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, कमानी। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा यदि आप हाईवे के पास से जाते हैं तो आपको इस तरह की के स्ट्रक्चर्स खुले हुए बहुत सारे दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, दे आर लीफ स्प्रिंग्स। ओके, और आप नीचे वाले डायग्राम में भी देख पा रहे हैं ये कई सारे लीफ स्प्रिंग का एक सेट होता है, अभी हम डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है। सो सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स आर ऑलमोस्ट यूनिवर्सली यूज फॉर सस्पेंशन इन लाइट एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स। तो देखिए लीफ स्प्रिंग की अच्छी बात यह है कि ये दोनों में यूज होता है, लाइट जो व्हीकल्स हैं लाइक कार्स हैं और सेमी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनमें, एज वेल एज कॉमर्शियल व्हीकल जो बहुत हैवी लोडेड ट्रक्स होते हैं वहाँ पर भी हम स्प्रिंग्स को यूज़ करते हैं, लेकिन कार्स में हम लोग इसको सिर्फ रेयर में यूज़ करते हैं, फ्रंट में हम लोग कॉइल स्प्रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है।
For cars also, these are widely used for rear suspension. The spring consists of number of leaf springs blade. तो ये जो लीफ स्प्रिंग होती है ये ऐसा नहीं है कि सिंगल एक ही लोहे से बनाई जाती है, ये नंबर ऑफ ब्लेड्स को यूज करते हैं। ये जो लीफ स्प्रिंग दिख रही है इसको हम ब्लेड भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है, आप यदि हम बात करें एक लोहे की हम प्लेट ले लें, प्लेट मतलब उसका थिक क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसकी कुछ विड्थ है और वो एक बहुत बड़ी प्लेट है, मतलब एक उसकी फिक्स लेंथ है। उसको हम क्या करते हैं, विथ परमानेंट डिफॉर्मेशन हम करते हैं, उसको हम लोग परमानेंटली डिफॉर्म कर देते हैं और उसका शेप जो होता है वो हम इलिप्टिकल बना देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इलिप्टिकल शेप है या ये इलिप्टिकल शेप है, हम इस फॉर्म में उसको परमानेंटली डिफॉर्म कर देते हैं और उसी के बाद हम क्या करते हैं, बारी बारी से नंबर ऑफ लीव्स को लगाते जाते हैं लेकिन उनकी लेंथ रिड्यूस करते जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली आपके पास में एक सबसे बड़ी लीफ स्प्रिंग थी, फिर उसके बाद में छोटी थी, कितनी यहाँ पर दो दिख रही हैं आपको, फिर उसके बाद और उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे करते हुए आपके पास एक सेट ऑफ लीफ स्प्रिंग यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, जो जो सबसे बड़ी जो लीफ स्प्रिंग होती है उसके दोनों एंड्स क्या होते हैं, ऊपर से गोल घुमा दिए जाते हैं, दोनों एंड्स उसके आई आई एंड कहलाते हैं ये। ठीक है, आई एंड बनाए जाते हैं और इस स्प्रिंग को बोला जाता है मास्टर लीफ स्प्रिंग। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस इज मास्टर लीफ स्प्रिंग। उसके बाद जो कॉन्जिक्यूटिव होती हैं वो क्या हो गई आपके पास, उसके पेयर्स हैं, दे आर टू एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स, इसके नीचे आप देख रहे हैं, उसके बाद ग्रेजुअली लेंथ लीव्स, उससे घटते हुए क्रम में क्या हो रहे हैं यहाँ पर आपको और लीव्स लगाई जा रही हैं। और इन सबको रोकने के लिए ये अपने आप तो रुक नहीं सकते, इन्हें वेल्डिंग कर नहीं सकते क्योंकि जब भी बम्प और पिट आएंगे तो ये ऊपर नीचे होगा, तो ये पूरे क्या करेंगी, प्लेटें एक दूसरे पर स्लाइड करेंगी, एक दूसरे से फ्रिक्शन करती हुई ये स्लाइड करती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इनको बांधने के लिए क्या यूज़ किया है, रिबाउंड क्लिप्स यूज़ किए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनको क्लिप से हमने इन्हें क्लैंप कर रखा है, दोनों साइड से हमने बांध रखा है। ठीक है, तीसरी जो चीज़ आप सेंटर में देख रहे हैं, इसको हमें जब इस एक्सेल पे माउंट करना है तो हम कैसे माउंट करेंगे, तो हम लोग यू बोल्ट काम में लेते हैं। यू बोल्ट क्या मतलब होता है कि वो एक साइड से जाके यू शेप में वापस नीचे आ जाता है। तो आप यहाँ पर नीचे डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो यू बोल्ट काम में लिए गए हैं। राइट साइड का यू बोल्ट आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू होकर के वो एक्सेल के ऊपर से होता हुआ वापस नीचे चला जाता है, इसी तरीके से लेफ्ट वाला यू बोल्ट भी एक्सेल पे होता हुआ चला जाता है। तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको क्लैंप कर देते हैं तो ये रिजिडली इसके साथ माउंट हो जाता है, यानी जितना भी आपका शॉक है वो सारा किसको मिल जाता है, हमारे स्प्रिंग को मिल जाती है। ठीक है, तो ये यू बोल्ट के थ्रू यहाँ पर लगाया हुआ रहता है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर लीफ स्प्रिंग। ठीक है, द स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लीव्स कॉल्ड ब्लेड्स। ठीक है, द ब्लेड्स वेरी इन लेंथ एंड लॉन्गेस्ट ब्लेड हैज एन आई ऑन इट्स एंड कॉल्ड मास्टर लीफ। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे राइट में हम एनिमेशन देखें तो ये लीफ स्प्रिंग है, ये अभी अभी हमने बात करी, राउंड क्लैंप्स हैं जो हमने दोनों साइड में लगा रखे हैं और इनसे हमने कई सारी लीफ स्प्रिंग को बांध रखा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर लीफ स्प्रिंग वर्क। तो जैसे ही कोई बम्प आता है तो ये क्या होती है, लीफ स्प्रिंग ऊपर की तरफ में प्रेस होने की कोशिश करती है तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है और लेंथ को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या लगा रखे हैं, शेकल एंड्स लगा रखे हैं जो कि टर्न हो जाते हैं और ये लेंथ को एडजस्ट कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ अवर स्प्रिंग वर्क। और जैसे ही वो बम्प जाता है तो ये वापस से स्प्रिंग नॉर्मल पोजिशन में आने की कोशिश करती है तो आपके व्हील्स को नीचे की तरफ में धक्का दे देती है और ये वापस रोड को कॉन्टैक्ट में ले लेते हैं। तो दिस इज हाउ योर लीफ स्प्रिंग वर्क। ओके, लीफ स्प्रिंग का एक एडवांस होता है दैट इज हेल्पर स्प्रिंग। तो हेल्पर स्प्रिंग में क्या करते हैं, हम सिंपल एक लीफ स्प्रिंग तो काम में लेते ही हैं, उसके अलावा हम हेल्पर स्प्रिंग भी उसके ऊपर में एक और अटैच कर देते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारे जो एब्जॉर्ब जो शॉक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो जनरली हम लोग इसको हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स में काम में लेते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड हम लोगों को बियर करना पड़ता है और डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है हमारी स्प्रिंग्स के अंदर में। तो हम लोग एक्स्ट्रा उसको प्रिविलेज देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पर स्प्रिंग्स ऊपर लगाते हैं। ठीक है, सो हेल्पर स्प्रिंग्स आर प्रोवाइडेड ऑन मेनी कॉमर्शियल व्हीकल्स इन एडिशन टू द मेन लीफ स्प्रिंग, दे अलाउज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ लोडिंग। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि ज़्यादा लोड को भी वो उठा सकती है। ठीक है, यदि हम इसी का एडवांस रूप देखें तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेन स्प्रिंग के साथ में हम लोग हेलिकल हेल्पर स्प्रिंग भी काम में ले रहे हैं जो कि क्या है, कॉयल स्प्रिंग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉयल स्प्रिंग को भी हमने बीच में काम में ले लिया है। तो हम लोगों ने हेल्पर स्प्रिंग दोनों टाइप की देखी है, हम लोग एज ए लीफ स्प्रिंग भी काम में ले सकते हैं हेल्पर स्प्रिंग को और एज ए कॉयल स्प्रिंग भी हम लोग काम में ले सकते हैं हेल्पर स्प्रिंग को। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह के लोड कंडीशन के लिए इसको डिजाइन कर रहे हैं। तो दिस इज अबाउट योर लीफ स्प्रिंग। लेट्स डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ लीफ स्प्रिंग। तो इस लीफ स्प्रिंग के फायदे क्या हैं, लीफ स्प्रिंग्स आर वेरी सिंपल इन सेटअप। मतलब कि लीफ स्प्रिंग क्या है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है और उसको लगाना भी आसान है, बनाना भी आसान है, मेंटेनेंस भी बहुत आसान है।
क्योंकि सीधी सीधी सी क्या है, आपके पास बेसिकली स्ट्रिप्स हैं वो, और स्ट्रिप्स में यदि मान लीजिए बैंड हो गई है तो आप उसका बैंड वापस से सही कर सकते हैं, टूट गई है तो नई लगा सकते हैं, एक लीफ टूटा है तो एक को रिप्लेस करके नया लगा सकते हैं, कई बार उसको इमरजेंसी में वेल्डिंग करके भी आप काम चला सकते हैं। तो ये बहुत ईजी इसका कंस्ट्रक्शन है और बहुत ही इसको सेटअप करना और मेंटेनेंस ईजी है। दे हैव लेस मूविंग पार्ट्स कनेक्टेड टू देम, तो इसमें किसी भी तरह का मूविंग पार्ट नहीं है, सिंपली आपका पूरा का पूरा सेट है लीफ स्प्रिंग का, जिसको आपने जा करके यू क्लैंप से शाफ्ट पे लगा दिया और ऊपर दोनों साइड से एक को फिक्स एंड कर दिया और एक को शेकर एंड पे जोड़ दिया, तो माउंटिंग बहुत ईजी है इसकी। थर्ड इज व्हेन अ लॉट ऑफ वेट इज बीइंग कैरिड, लीफ स्प्रिंग स्प्रेड द लोड आउट मोर इवनली अक्रॉस द व्हीकल्स चेचेस देन कॉइल स्प्रिंग और टॉर्शन बार। तो हम देखेंगे यदि हम कॉइल स्प्रिंग और टॉर्शन बार से इसको कंपेयर करें तो उनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये क्या कर सकता है, लोड को बियर कर सकता है। हम लोग कहीं पर भी ज़्यादा हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स में कॉइल स्प्रिंग कभी काम में नहीं लेते, ना ही हम टॉर्शन बार काम में लेते हैं, दे आर मेंट फॉर लो लोड्स कंडीशन, ठीक है। तो हम लोग हल्के लोड्स में कार्स के लिए या लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए हम लोग कॉइल स्प्रिंग या टॉर्शन बार काम में लेते हैं, बट फॉर हैवी लोड्स वी आर गोइंग विद ऑलवेज लीफ स्प्रिंग्स, ठीक है। ऑल्सो द फ्रिक्शन प्रोड्यूस बिटवीन द मल्टीपल लीफ स्प्रिंग्स एज दे स्लाइड हेल्प डैम्प्स द नेचर ऑफ अप एंड डाउन रिबाउंसिंग इफेक्ट ऑफ द स्प्रिंग, मेकिंग द राइड्स स्टेडियर एंड रिड्यूस द वर्क इंस्टेड ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स। तो देखिए हमने अभी जो डायग्राम देखा था, मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि जब ये एक लीफ स्प्रिंग है, इसके नीचे एक और लीफ स्प्रिंग है, तो यहाँ पर एक सीरीज ऑफ लीफ स्प्रिंग आप देख रहे हैं और ये सिर्फ क्लैंप से बंधी हुई है। क्लैंप से बंधने से क्या हो रहा है, ये इसको नीचे नहीं गिरने देगा, लेकिन इसके लेफ्ट और राइट मोशन को ये नहीं रोक सकते हैं। ये क्लैंप अलाउ करते हैं कि जब ये पूरा का पूरा लीफ स्प्रिंग ऊपर जाए तो क्या होगा, ये वाली जो नीचे वाली लीफ स्प्रिंग है ये अलग फैलने की कोशिश करेगी, उसके नीचे वाली अलग फैलने की कोशिश करेगी, तो इनकी लेंथ सबकी वेरी होगी। तो जब ये लेंथ वेरी होगी तो क्या करेगी, ये वाली जो स्प्रिंग है वो इसके ऊपर वाले पर फ्रिक्शन क्रिएट करेगी, ये वाली जो स्प्रिंग है ये इसके ऊपर वाले पे, यानी कि इनकी जो मेटिंग सर्फेसिस हैं ये फ्रिक्शनल होंगी, और फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, ये इजीली एक दूसरे पे स्लाइड नहीं करेंगी, तो इनको टाइम लगेगा, स्लाइड होने में भी टाइम लगेगा और वापस आने में भी टाइम लगेगा। तो इसकी वजह से एक हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि जब भी शॉक आते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करता है, उसको बियर करता है और धीरे धीरे रिलीज करता है, तो हमारे को क्या होता है, डैम्पिंग नहीं मिलती। आपने देखा होगा यदि आप सिंपल स्प्रिंग डैम्पर्स काम में लेते हैं या हाइड्रोलिक डैम्पर्स काम में लेते हैं तो आप काफ़ी देर तक वाइब्रेट होते रहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, रेजाइलेंस के कारण वो ऊपर नीचे होता रहता है जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, उसके बाद वो रुकता है। लेकिन लीफ स्प्रिंग में क्या होता है, वो जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो पूरी फ्रिक्शन में काम में आ गई, इसलिए क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथर होते हैं, तो ये ज़्यादा डैम्प नहीं करने देते क्योंकि ये फ्रिक्शन में उसको बियर कर लेते हैं ये सारी चीज़ को, ठीक है। सो दिस इज वन मोर एडवांटेज ऑफ दिस लीफ स्प्रिंग। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, द मेन डिसएडवांटेजेस विद अ लीफ स्प्रिंग इज एन एक्सेल बाइंडर, ठीक है। एज टॉर्क ट्रांसफर फ्रॉम द रेयर एक्सेल थ्रू द लीफ स्प्रिंग कंट्रोल्स द फ्रंट हाफ ऑफ द एक्सेल। तो देखिए जो आपके पास में एक्सेल बाइंडअप है वो क्या होता है, यहाँ पर आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं कि जब आप गाड़ी चलाते हैं और उस समय में क्या होता है, जो टॉर्क होता है, रेयर व्हील ड्राइव की हम बात कर रहे हैं, जो टॉर्क होता है वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा रेयर व्हील से होके ट्रांसफर हो रहा है। और उस केस में आप क्या करते हैं, मान लीजिए सडन ब्रेक्स लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा उसके कंडीशन में, आपका जो ट्विस्टिंग होगी, जो रिएक्शन होगी, वो क्या करेगी, इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करेगी। तो यदि आप राइट साइड का एक डायग्राम देख पा रहे हैं, दिस इज योर एक्सेल वाइंडअप, तो आप यहाँ पर एक देखेंगे कि आपका जो एक्सेल है उसके नीचे आपको लीफ स्प्रिंग दिखाई हुई है, तो ये लीफ स्प्रिंग की पोजिशन ऐसे होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कपल फोर्स ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आगे की पोर्शन की स्प्रिंग तो क्या हो रही है, ऊपर की तरफ उठ गई, पीछे की जो है वो आपकी नीचे की तरफ रह गई। तो ये जो आपके पास बकलिंग है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पास एक्सेल वाइंडअप होता है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेल वाइंडअप हैपेंस। और इसका आप रियलास्टिक में कंडीशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि पीछे से गाड़ी ऊपर उठ जाती है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि जैसे ही गाड़ी आपकी रुकती है तो आपका क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेल वाइंडअप आपकी पीछे से गाड़ी क्या होती है, ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है। सिमिलरली आप यहाँ पर ये जो सेकंड वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर भी आपको दिखाया है कि आप ब्रेक मारते जा रहे हैं और रेस देते जा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी जो है पीछे से ऊपर की तरफ में होने की कोशिश कर रही है, ठीक है। सो इट इज अबाउट द एक्सेल वाइंडअप। एज टॉर्क ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रेयर एक्सेल थ्रू द लीफ स्प्रिंग कंट्रोल द फ्रंट हाफ
of the spring, it twists then untwists, creating a back and forth record of energy between the front and rear of the spring. तो ये जो कारण है, क्योंकि एक बार वो क्या कर रही है, ट्विस्ट हो रही है, एक बार अनट्विस्ट हो रही है, तो इसकी वजह से क्या कर रही है वो, एक ये जो ट्विस्टिंग कह लीजिए या फिर वाइंड अप कह लीजिए एक्सेल का, इट हैपेंस ओवर हियर. दिस इज नोन एज व्हील हॉप बिकॉज ऑफ इट कॉजेस टायर्स टू हॉप अप एंड डाउन एंड लूज ट्रैक्शन. तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है, आपके टायर हिप हॉप करते हैं, ऊपर नीचे क्या होते हैं, बंप करते हैं, और इसकी वजह से आपका ट्रैक्शन लूज हो जाता है. तो ये एक कंडीशन हमारे लिए क्या होती है, गलत होती है, ये एक डिसएडवांटेज है बिकॉज ऑफ लीफ स्प्रिंग. देन सेकंड इज बिकॉज ऑफ लीफ स्प्रिंग आर बोल्टेड डायरेक्टली टू द रेयर एक्सेल, द टॉर्क जनरेटेड ड्यूरिंग हार्ड एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग कैन कॉज एक्सेल वाइंड अप विच क्रिएट्स वाइब्रेशन रेयर एंड स्कॉट एंड नोज डाइविंग. तो ये तीनों ही कारण, क्योंकि हमने क्या किया है, जो पीछे की जो लीफ स्प्रिंग है उसको हमने डायरेक्टली जो आपकी रेयर एक्सेल है उसके ऊपर में बोल्ट किया हुआ है. तो जब भी हम एक्सेलरेट करते हैं या फिर हैवी ब्रेकिंग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्सेल वाइंड अप होता है और उसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, रेयर एंड स्कॉट होता है, रेयर एंड स्कॉट का मतलब रेयर साइड से ऊपर उठना, एंड नॉइज डाइविंग यानी नोज का नीचे डिप होना. तो ये तीनों ही कारण हमारे किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ लीफ स्प्रिंग. ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर लीफ स्प्रिंग. लीफ स्प्रिंग का नेक्स्ट जो एडवांस है वो है टेपर्ड लीफ स्प्रिंग. टेपर्ड लीफ स्प्रिंग का क्या मतलब है, कि जो हमने पहले लीफ स्प्रिंग यूज की थी उनका क्रॉस सेक्शन क्या था, थ्रू आउट सेम हुआ करता था. यानी सपोज करिए 40 mm की चौड़ाई है और 10 mm की उसकी थिकनेस है, तो यही क्रॉस सेक्शन पूरी लीफ स्प्रिंग में लेफ्ट से राइट तक रहा करता था. लेकिन टेपर्ड लीफ स्प्रिंग में क्या हो गया, यहाँ का क्रॉस सेक्शन, सेंटर का क्रॉस सेक्शन ग्रेजुअली कम होता जा रहा है, और आप यदि यहाँ पर देखिए तो वो कम हो चुका है. यदि मान लीजिए यहाँ पर हम विड्थ 40 mm है, तो वो घटते घटते यहाँ पर 30 mm रह गई. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, उनको टेपर कर दिया है साइडों से. तो दिस इज कॉल्ड टेपर्ड लीफ स्प्रिंग्स. तो हमने यहाँ पर देख पा रहे हैं डायग्राम, और टेपर्ड लीफ स्प्रिंग में हमारे को क्या क्या फायदा मिला है, लाइट वेट नियरली 60% ऑफ द कन्वेंशनल लीफ स्प्रिंग. तो इससे हमने वजन कम कर दिया, स्ट्रेंथ इतनी मिल पा रही है हमको, लेकिन हमने इसका वजन कम कर दिया 60% तक. लेस इंटरलीफ फ्रिक्शन, तो जो इंटरलीफ मतलब एक लीफ से दूसरे लीफ के बीच में जो फ्रिक्शन था वो भी रिड्यूस हो गया विथ कंपेरिजन टू द नॉर्मल लीफ स्प्रिंग. देन एब्सेंस ऑफ स्क्विकिंग. स्क्विकिंग क्या होता है, एक बहुत तेज आवाज होती है, और वो क्या होती है, जब दो प्लेट्स आपस में रगड़ती हैं, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में स्पेसर्स यूज करते हैं. ओके, सो दिस इज द फिनोमेना जिससे हम उसकी आवाज को कम कर पाते हैं. देन वी हैव लॉन्गर लाइफ ड्यू टू यूनिफॉर्म एंड लेस स्ट्रेस. तो ये देखिए, यदि आपके पास में वियर एंड टियर कम हो रहा है, आपके पास में जो वियरिंग है वो यूनिफॉर्म है, और स्ट्रेसेस आपके पास यूनिफॉर्म है, तो लेंथ जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ऑफ योर टेपर्ड लीफ. ओके, तो इन कंपैरिजन टू आवर नॉर्मल लीफ, जो नॉर्मल लीफ स्प्रिंग है उसके कंपैरिजन में. देन वी हैव ऑक्यूपाई लेस स्पेस. तो इसमें क्या फायदा हुआ हमारे को, जगह कम लग रही है हमारे पास, तो दोनों एंड्स हमारे क्या हो गए, जा करके टेपर की वजह से कम हो गए हैं, तो हमारे पास स्पेस जो है वो लेस यूज होने लग गई है. ओके, देन वी हैव कॉइल स्प्रिंग. तो ये आप बहुत वाइडली यूज करते हैं कॉइल स्प्रिंग को, लाइक इन योर बाइक्स ऑल्सो यू हैव सीन दिस. हम लोग कॉइल स्प्रिंग यूज करते हैं, लेकिन ये हैवी ड्यूटी नहीं होती है, हम लोग लाइट जो व्हीकल्स होते हैं उन्हीं के लिए हम लोग कॉइल स्प्रिंग्स यूज करते हैं, क्योंकि इनके अंदर शॉकिंग शॉक एब्जॉर्बिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन ज़्यादा लिमिट तक हम इसमें शॉक्स नहीं बियर कर पाते हैं, ज़्यादा लोड को ये बियर नहीं कर सकता है. तो मेनली यूज इन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम. तो ये भी आप देख पा रहे राइट में, ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन है, बीच में कोई भी तरह का कनेक्शन नहीं है, दैट इज वाई इट इज इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉइल स्प्रिंग काम में ले रहे हैं. एकोमोडेट इन रिस्ट्रिक्टेड स्पेस, यानी इसको लगाने का एक क्या फायदा है, कि कहीं कम जगह है आपके पास, वहां पर भी आप लीफ स्प्रिंग कॉइल स्प्रिंग आराम से लगा सकते हैं. लेकिन लीफ स्प्रिंग लगानी होती है तो उसको काफी जगह चाहिए होती है लगाने के लिए. तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया, कहीं कम जगह है वहां पर भी हम आराम से इसको यूज कर सकते हैं. लेस नॉइज प्रॉब्लम, तो ये क्या करती है, आवाज भी कम करती है. यदि मान लीजिए जब भी बम्प और पिट आ रहे हैं तो ये जो काम करेगी तो आवाज कम करेगी, लेकिन आपकी कॉइल स्प्रिंग क्या करती है, वहां फ्रिक्शन के कारण एक प्लेट से दूसरे में आवाज ज्यादा होती है. टेक शियर एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस, तो ये क्या करती है, दोनों टाइप के लोड्स को ले लेती है, बेंडिंग को भी ले लेती है और शियर को भी ले लेती है. शियर कब होता है, कि मान लीजिए जो आपका लाइन ऑफ फोर्स है उसका जो लाइन है और जो आपके पास सपोर्ट है उसका लाइन है, वो दोनों डिफरेंट होंगे तो शियरिंग फोर्स डेवलप होगा. उसके लिए भी आपके पास जो होती है ये कॉइल स्प्रिंग कैपेबल होती है टू टेक दैट शियर स्ट्रेस. ठीक है, कॉइल स्प्रिंग डज नॉट टेक साइड थ्रस्ट एंड टॉर्क रिएक्शन. तो मान लीजिए ब्रेकिंग टॉर्क है, एक्सेलरेशन टॉर्क है, उसको ये बियर नहीं कर सकती है कौन, कॉइल स्प्रिंग.
सिमिलरली आपके पास यदि साइड थ्रस्ट है, जब हम कॉर्नरिंग की बात कर रहे थे, उसको भी बियर करने में ये क्या करती है, ये कैपेबल नहीं होती है दिस कॉइल स्प्रिंग्स. ओके, देन वी हैव टॉर्शन बार्स. तो टॉर्शन बार क्या होता है, हमने इसको समझने से पहले हम यहाँ राइट साइड में एक एनिमेशन है इसको देख लेते हैं. तो हमने टॉर्शन बार में क्या किया, हमने एक फिक्स एक तरफ में फ्रेम पर हमने फिक्स कर दिया और एक हमने रॉड निकाली यहाँ पर, और यहाँ से एक टॉर्शन बार को हमने इसके साथ में वेल्ड कर दिया है या फिर हमने सिंगल पीस में बना दिया है. तो ये पूरी हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहनी चाहिए, लेकिन जो इसका ये एंड है, इसको हमने क्या किया, व्हील के साथ माउंट कर दिया. तो यदि मान लीजिए अप एंड डाउन आता है, तो ये जो बार है ये क्या करेगी, टॉर्शन करेगी यानी ट्विस्ट करेगी, एटन यानी कि घूमने की कोशिश करेगी. तो ये क्या करेगी, ये जो यदि हम बात करें, ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, सपोज करिए इनिशियली ये जीरो डिग्री पर थी, लेकिन जैसे ही कोई नीचे बम्प आता है या पिट आती है, तो ये जीरो डिग्री क्या करेगी, धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश करेगी और यहाँ से ट्विस्ट हो जाएगी. ये एंड तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये एंड ट्विस्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो वापस से बम्प जाएगा, तो ये सीधा होने की कोशिश करेगा, तो ये टायर को वापस अपनी जगह पर रख देगा. तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड योर टॉर्शन बार. तो यही चीज हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये आप जो स्केच देख रहे हैं, ये टॉर्शन बार का है. तो अब आपको यह शायद समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रेम पर लग जाता है, और फ्रेम से ये टॉर्शन एंड है, और ये वाला जो एंड है ये आपके पास वी था स्पिंडल, इसके ऊपर में माउंट होता है. तो जब भी ये ऊपर नीचे होता है, अभी हम इस प्लेन में नहीं देख सकते इसको, क्योंकि ये अपनी तरफ आएगा या नीचे की तरफ जाएगा, तो ये जब भी ऊपर नीचे होता है, तो ये जो आपके पास टॉर्शन बार है, ये इसको ट्विस्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है, और वापस से जैसे बम्प चला जाएगा, तो ये नॉर्मल पोजिशन में आने का काम करेगा. तो दिस इज हाउ योर टॉर्शन बार एक्ट्स. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपको टॉर्शन बार लिखा हुआ है, ये आपके पास टॉर्शन बार है, जो कि क्या करेगी, व्हील को ऊपर नीचे आने की कंडीशन में ये खुद ट्विस्ट हो जाएगी और इसको वापस सीधे होने के लिए फोर्स करेगी. सो दिस इज अबाउट योर टॉर्शन बार. सो इट ओनली टेक्स टॉर्शन लोड्स, ठीक है. तो जो टॉर्शन लोड है उसी के लिए है, ना तो ये कोई ब्रेकिंग टॉर्क ले रही है, ना ये एक्सेलरेशन टॉर्क ले रही है, ठीक है, ना साइड थ्रस्ट ले रही है. ये जो हम लगाते हैं टॉर्शन बार, ये सिर्फ और सिर्फ टॉर्शन पुल टॉर्शन लोड के लिए ही काम में लेते हैं. अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वेट इज सेम एज दैट ऑफ कॉइल स्प्रिंग. तो इसका जो टॉर्शन बार का जो एनर्जी स्टोरिंग की कैपेसिटी है, वो कॉइल स्प्रिंग के बराबर ही है, ठीक है. सैन लाइटर देन लीफ स्प्रिंग. तो ये इसका वजन जो होता है लीफ स्प्रिंग से भी कम होता है. जो आपने लीफ स्प्रिंग देखी है, उनमें बहुत सारे लीफ्स लगे रहते हैं, तो उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन टॉर्शन बार जो होती है उसका वजन बहुत कम होता है. इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, डज नॉट टेक ब्रेकिंग टॉर्क और ड्राइविंग थ्रस्ट. तो ये ना तो ब्रेकिंग टॉर्क लेती है, ना ड्राइविंग थ्रस्ट लेती है, यानी इस जो आपके पास में ये टॉर्शन बार है, ये कोई रिएक्ट नहीं करती है जब आपके पास ब्रेक लगता है या फिर एक्सेलरेट होती है गाड़ी की, ठीक है. जबकि जो अभी हमने लीफ स्प्रिंग देखी थी, वो क्या होती है, फैलती है या सिकुड़ती है जब भी आपके पास ड्राइविंग और ब्रेकिंग थ्रस्ट आते हैं. सिमिलरली एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, सो प्रॉब्लम ऑफ डैम्पिंग. तो अभी हमने बात करी थी कि वहां पर लीफ स्प्रिंग में क्या हो रहा था, हर लीफ के बीच में फ्रिक्शन होता था, जिसकी वजह से जब भी शॉक आते थे तो स्मूथ होता था आपका, ठीक है, जो भी बम्प लगता था तो स्प्रिंग जब खुलती थी और वापस नॉर्मल होती थी, दोनों ही कंडीशन क्या होती थी, बहुत स्मूथ होती थी, क्योंकि जो भी एनर्जी है वो क्या होती थी, फ्रिक्शन में कवर हो जाती थी. लेकिन यहाँ कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो ये क्या करता है, डैम्प करता है. डैम्प मतलब क्या है, एक बार तो ये इक्विलिब्रियम से आगे चला जाता है और वापस आता है तो ये इक्विलिब्रियम से पीछे चला जाता है. तो यानी ये कुछ देर तक डैम्पिंग करता रहता है, उसके बाद जाकर ये नॉर्मल होता है. तो ये एक प्रॉब्लम किसके साथ है, हमारी टॉर्शन बार के साथ में, ठीक है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी.